से जातीय समीकरण को बैठाने की विधानसभा चुनाव से पहले तैयारी की जा रही है, क्योंकि कल अमित शाह का जिस तरीके से बयान रहे हैं गृहमंत्री, कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब समाज को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समाज का जो ऐसा वर्ग, ऐसा तबका जो किसी न किसी रूप में पिछड़ा है, हर ऐसे तबके को आगे लेकर के आने का प्रयास करती है, ताकि विकास की धारा में सब लोग एक साथ चलें और जन कल्याण की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ऐसे लोगों को मिले जो किसी न किसी रूप में विकास के मामले में पिछड़े हैं। और यही मंशा भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रहती है, और भविष्य में भी हमारी, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेशों में सरकारें हैं, इसी आधार पर आगे बढ़ने का काम करती है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिलेगा, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है कल अमित शाह जी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, हमेशा से संविधान की भावनाओं का खिलवाड़ करती है। अब आप भी जानते हैं और आपके श्रोता भी इस बात को जानते हैं, पूरा देश और दुनिया जानती है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और उसमें आरक्षण की जो व्यवस्था की, उसमें कहीं धर्म आधारित आरक्षण नहीं है। जो भी सामाजिक वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से कहीं पीछे रह गए, उनको मुख्य धारा में लेकर के आने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। धर्म आधारित आरक्षण का कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटक से शुरुआत की है, अब हरियाणा के ऊपर उनका निशाना है, इस कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है, इसको कभी कामयाब नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी इसके डट करके खिलाफ है। वहीं जिस तरीके से जो निर्दलीय विधायक है नैयरपाल सिंह रावत, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन जो है वो छोड़ सकते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नैनपाल रावत पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कहीं भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। कहीं किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई शिकायत थी, उसको लेकर के वो मुख्यमंत्री जी से मिल करके सारी बातें ठीक करके और कैसे पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए काम करें, इस बात का वो प्रयास करेंगे। क्या नाराज चल रहे हैं कोई ऐसी जानकारी? देखिए, मुझे नहीं लगता कहीं कोई नाराजगी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।